जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। मैं विष्णु लांबा। महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध गढ़ है सिंहगढ़। तानाजी मालुसरे को आज नमन करने आया हूँ। सौभाग्य की बात है मेरे लिए। पीछे पहाड़ आप देख रहे हैं, जिसके ऊपर कुछ आपको धुआं धुआं सा नजर आ रहा है। ये मौसम के कारण है। मौसम बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ के अधिकारियों ने भी मुझे रास्ते में बताया कि हरियाली ज़्यादा है, इसलिए इस जगह बारिश भी ज़्यादा होती है। नमस्कार, बाला साहब मेरे साथ हैं अभी और बड़े सीधे आदमी हैं। फौज में रहे हैं 18 साल, जोधपुर भी रह के आए हैं और आज यहाँ पर है। अभी हम लोग इनसे जानेंगे वृक्षारोपण किस प्रकार से हुआ और कितना यहाँ सुरक्षित है। आदरणीय सुधीर मुनगंटीवार साहब, हमारे महाराष्ट्र के यशस्वी वन मंत्री और सांस्कृतिक मंत्री का भी दायित्व उनको भी मिला है। माननीय मंत्री मोदी के आदेशानुसार यहाँ पर आने का सौभाग्य मिला। तानाजी मालुसरे को नमन करने जा रहा हूँ पहाड़ के ऊपर। उससे पहले जानकारी दी बाला साहब ने कि यहाँ पर 2018 में आदरणीय मुनगंटीवार साहब ने प्लांटेशन किया था। वो आज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये प्लांटेशन कब का है और किस प्रकार से इनको संरक्षित रखा गया और कब तक ये इनकी स्थिति हाइट आ जाएगी। सर, ये प्लांटेशन 2018-19 में माननीय वन मंत्री उनके कार्यकाल में टिटिस कुटी रोग से लगवट के दौरान हुआ है। यहाँ पे टोटल 30 सेक्टर में प्लांटेशन हुआ है। यहाँ टोटल 30 सेक्टर में प्लांटेशन 33,333 प्लांट प्लांट किया हुआ है। उसमें 33,333 पौधे यहाँ लगाए गए थे वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार साहब के नेतृत्व में। कितनी ऊंचाई पर हम इस समय हैं जमीन पर? समुद्र से 16 मीटर की ऊंचाई पर। 1300 समुद्र से 1300 16 मीटर की ऊंचाई पर हम अभी हैं। सिंगड़ भी दिखाने वाले हैं। मुनगंटीवार साहब का प्लांटेशन आज जंगलों में तब्दील हो रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय मुनगंटीवार साहब प्रकृति प्रेमी हैं और बहुत जल्द कुछ बेहतर भी वो इस प्रदेश के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए योजनाएं लेकर के आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम।